इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, नाज़रीन इकराम, जो कोई मेरी आवाज़ को ये सुन रहे हैं, हम हिंदुस्तानी, जैसा कि यहाँ के उसूल व ज़वाबित के अतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। मैं अपने सारे वतनी भाइयों से और अपने मुसलमान बरादरी से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये जो आजकल के हालात के अतबार से छोटे से मामूली से गुस्से पर जो हम एक दूसरे के कत्ल को ज़ाहिर कर रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं, और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम से दूर रखते हुए जिस अंदाज में गुजार रहे हैं, इसको देखिए आप, इस्लाम की नज़र में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया है कि एक कत्ल बग़ैर किसी नाहक के कत्ल करना सारी दुनिया में कत्ल करने के बराबर है, और अगर किसी ने एक जान को जाने से बचा लिया तो सारी दुनिया के लोगों की जान बचाने के बराबर है। माशरे में आज हमारे दरमियान में जो छोटी सी मामूली सी बातों पर हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं, तो ऐसे हालात में मैं अपने सारे वतनी भाइयों से, अपने मुसलमान बरादरी के भाइयों से सबसे अर्ज़ करता हूँ कि बराए करम दीन तालीम को हासिल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर और खुशगवार बनाने की कोशिश करें। और ये जो कोई हालात दरपेश आ रहे हैं ख़त्ल गारतगिरी के, इसको ख़त्म करें। ये एक बेहतरीन माशरे को तरबियत देने की बजाय हमारी आल औलाद को बर्बाद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाली हमारी नस्ल और उनका फ्यूचर भी इसी के ज़रिए तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मैं आप तमाम से, जो कोई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि ये मामलात को ख़त्म फरमाएं और अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द इन मामलात को कर दे और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मस्जिद हाजा मस्जिद मुस्तफ़ा, जो कि नवाब साहब कुंटे में वाक़ हैं, यहाँ पर हफ्तेवारी दर्स में आने का शर्फ हासिल हुआ है, तो उसके ज़रिए से एक पैगाम पहुँचाना मकसद था कि दीनी तालीम के ज़रिए से आप मस्जिद में हाजिर हों हफ्तेवारी दर्स में, जैसा कि आज बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मस्जिद हाजा में, मस्जिद मुस्तफ़ा नवाब साहब कुंटे में, ये एक इस्लाही माशरे पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इसके ज़रिए से हम सारे वतनी भाइयों से और अपने मुसलमान बरादरी से ये अपील करते हैं, पुरजोर अपील, के आप बराए करम अपने आप को इस गंदगियों से पाक करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको बेहतर ज़िंदगी बनाने की तौफीक नसीब फरमाएं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।